जहां लोग न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की खबरों को सच मानते हैं और उसकी विश्वसनीयता पर भरोसा जताते हैं, वहीं आज कई बार न्यूज चैनल की खबरों से भरोसा उठता दिखता है, उस पर सवाल खड़े होते हैं, या यूं कहें कि कई बार खबरों को बिना जांचे परखे पब्लिश करना, जिससे उस पर सवाल खड़े होते हैं, जो कि जायज भी है। आज भ्रामक खबरों से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई जगहों पर दंगे फसाद फैलाए जा चुके हैं। ऐसे में हमारा आपका सबका काम है जांच परख कर खबरों को भेजना और एक दूसरे को बताना। ऐसे में गाजियाबाद के डीएम ने भ्रामक खबरें फैलाने वाले लोगों को और पत्रकार के भेष में बैठे अपराधियों को सीधे नसीहत दी है। आइए सुनते हैं पूरा वीडियो। कोई खबर आपके अखबार में छपती है और वही खबर दूसरे अखबार में छपती है शब्द ब शब्द, तो ये माना जाएगा कि वो खबर नहीं विज्ञापन है, राइट? तो आपकी खबर खबर होनी चाहिए, आपका विज्ञापन विज्ञापन होना चाहिए। ये आपको, हाँ जी, अब भाई इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बहुत शब्द परिवर्तित करके उसका भाव हम लोग पकड़ लेते हैं भाई, हम अध्यापक हैं भाई, ये समझो ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि भाई आप भी सुचितापूर्वक बर्ताव करें, जैसे कि हमसे अपेक्षा की जाती है और पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक से की जाती है। तो ये चुनाव केवल उन लोगों का नहीं है, ये आप लोगों का भी और हम लोगों का सबका है, तो उस नज़रिए से बात कही जा रही है, ठीक है? अब देखिए वो बात जो मैं कर रहा था, आइए आगे। एक ही उम्मीदवार की सफलता का अनुमान लगाना, फला चल रहे हैं रेस में आगे, इस टाइप की जो खबरें आप प्रकाशित करते हैं वो मतदाताओं को दिग्भ्रमित करती हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे इलेक्शन डिक्लेरेशन के साथ ये जो आपका ये जो पोल सर्वे होता है उस पर रोक लग जाती है और एग्जिट पोल पे भी रोक लग जाती है, तब तक जब तक कि सारा निर्वाचन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके बाद पहले फेज वाइज आप एग्जिट पोल करते थे, अब नहीं है, अब जब सारे फेज खत्म हो जाते हैं और मतगणना केवल रह जाती है तब किसी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं हो, तो भविष्य उसका ईवीएम में कैद हो गया, तब आप अपना एग्जिट पोल दे सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना है आपको, जिम्मेदारी ज़्यादा है। एक बात ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया में डाली गई कोई भी चीज़ आप सोचो कि अब ये हमारे रडार में नहीं है तो आप चूक करेंगे, क्योंकि न केवल आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे होंगे बल्कि आप हरदम के लिए बैन हो जाएंगे, जो दंड मिलेगा वो अलग है, और ये किया जा चुका है चंदौली के केस में और कहीं दूसरी जगह के केस में, गलत खबर प्रकाशित किया सोशल मीडिया में ईवीएम को लेकर और उनको लेकर क्रिमिनल मुकदमा हो गया। और मैं आपको बता दूं इसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर की तैनाती पुलिस के द्वारा की जा चुकी है, जो आपके कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए डिलीट करने के लिए संज्ञान लेकर जिस भी आपके प्लेटफॉर्म में ये है, यूट्यूब व्हाट्सएप जिस पे भी है, तो वो सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से बैन तो होगी होगी, आपका पर्पज डिफीट करेगा, उसका खंडन आएगा, लेकिन इतना काफ़ी नहीं कि आपने एक शैतानी कर दी और निकल गए, उसको लेकर क्रिमिनल कार्रवाई भी हो जाएगी। तो ये नया एक बात है जो समझने की ज़रूरत है। दूसरे, हम और आप कई बार असावधानी पूर्वक जो सामग्री आती है उसको आगे परोस देते हैं, आपको आया आपने उसको आगे भेज दिया। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है, पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी, आप बचे रहें इसलिए मैं सुझाव देता हूँ, आप करोगे तो धमकी है मैं छोड़ूंगा नहीं, आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और बात है, जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लोग, हालांकि आप लोग उससे जुड़े नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप उसको खबर की तरह प्रकाशित कर दोगे तो हमारा लाभ होगा। एक तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस का व्यक्ति बिना सूचना दिए हुए कोई प्रिंटिंग सामग्री प्रिंट नहीं कर सकता, तो उसको हर प्रति में लिखना होगा कितनी कॉपी पे है, क्या सामग्री, क्या कंटेंट है, और उसकी प्रायर सूचना हमको
देनी पड़ेगी। तो ये हम उनको भी सारे प्रिंटिंग प्रेस को भी सूचित कर रहे हैं ताकि हम उसको इलेक्शन के खर्चे के नज़रिए से उसे बुक कर सकें। यानी कि आपने एक पंपलेट छपवाया और कितने पंपलेट छपे नहीं मालूम, तो आप 100 कर दोगे 10,000 और छाप लिया आपने 10,00,000, तो उसमें वो किस्म हाँ वो संख्या उसमें आना आवश्यक है। तो ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हो और साथ साथ ये काम भी होता हो, ऐसा हो सकता है। मैं इसलिए ये बात को मैंने यहाँ पर कह देना उचित समझा। कड़े शब्दों में लोगों तक सीधे अपना संवाद आपने देखा, लेकिन सोशल मीडिया पर गाजियाबाद कलेक्टर के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के एक अधूरे हिस्से को किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वायरल, जबकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा होगा कि उन्होंने कई बार शालीनता एवं सभ्यता से अपनी पूरी बात रखी, जो कि जायज भी है। अगर एक डीएम अपने क्षेत्र के लिए, शांति के लिए अगर ये बात कहता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है।